डॉक्टर, मेरे बेटे को बहुत 3 दिन से तेज़ बुखार हो रहा है, जुखाम भी है, खांसी भी है, अब उसके लाल लाल दाने निकलने लग गए हैं। तो ये बीमारी जो है वो तेज़ी से संक्रमण फैलाने वाली बीमारी है और इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं। तो मैं डॉक्टर विपिन जैन, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में हूँ और आज हम खसरे के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। खसरा एक वायरल इन्फेक्शन है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या श्वसन तंत्र को इन्वॉल्व करता है, जिसके अंदर जो है खांसी जुखाम होता है सिरों के अंदर, उसके बाद दाने निकलते हैं और तेज़ी से संक्रमित होने वाली बीमारी है। इसमें बचाव के लिए अपन जो है वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करेंगे तो बचाव हो सकता है। तो खसरा बेसिकली एक साधारण भाषा में कहें तो एक ओरी या खसरा, दाने निकलने की बीमारी और तेज़ी से संक्रमण फैलने वाली बीमारी है। खसरा जो है एक वायरल इन्फेक्शन है जो एक दूसरे से संक्रमण के द्वारा तेज़ी से फैलता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को या श्वसन तंत्र को इन्वॉल्व करता है। फैलने के लिए जो है इसमें खांसी जुखाम के थ्रू जो वायरल के पार्टिकल्स निकलते हैं वो उसको दूसरे को संक्रमित करते हैं। ये पार्टिकल्स आपके सरफेस के ऊपर भी रहते हैं जहाँ पर ये 2-3 घंटे तक सर्वाइव करते हैं। अगर हाथ लगा करके वो हाथ अगर नाक में और मुंह में लगा लें तो उससे भी खसरा हो जाता है। देखिए, बच्चों में प्रभाव इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चों के अंदर इम्यून सिस्टम जो है ना वो वीक होता है। मदर से जो इम्यूनिटी बच्चों को मीज़ल्स के लिए मिलती है वो तकरीबन 6 माह तक रहती है। अब 6 माह के बाद में वो इम्यूनिटी सिस्टम जो है फेड होने लग जाता है। जब फेड होता है तो बच्चा जल्दी संक्रमित होता है। देखिए, खसरे के लक्षण जो कॉमन वायरल इन्फेक्शन के होते हैं, जैसे हल्का बुखार शुरू में रहना, खांसी आना, नाक से पानी चलना, आँखें लाल हो जाना, तो ये एक अर्ली स्टेज के अंदर जो वायरल इन्फेक्शन में होता है सब में कॉमन होता है, खसरा में भी कॉमन होता है। बट फ्रॉम द 5th डे ऑनवर्ड्स, 5वें दिन से आगे उसके अंदर जब दाने निकलने लगते हैं, बुखार तेज होने लगता है, खांसी तेज होने लगती है, तो वो खसरे के लक्षण जो है कई बार इन बच्चों में जो है दस्ते लगने लग जाती हैं, दाने के साथ में खुजली बहुत तेज चलती है, वहाँ पे स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। बच्चों में खांसी के साथ में कई बार बेहोशी होने लग जाती है या लंग्स में इन्फेक्शन, निमोनिया हो जाता है, फेफड़ों का इन्फेक्शन होकर के निमोनिया हो जाता है। तो ये जो लक्षण हैं इनको तुरंत पहचान लिया जाए और नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेकर के इसका तुरंत इलाज किया जाए और सपोर्टिव केयर की जाए, तो अपन उसमें अच्छे से ट्रीटमेंट लेकर के जल्दी ठीक हो सकते हैं और आगे के कॉम्प्लिकेशंस या जो प्रभाव हैं उनको रोक सकते हैं। खसरा जो है वो एक बचाव किया जा सकता है इसका वैक्सीन वगैरह लगा करके टीकाकरण से, तो वो टीकाकरण बहुत इम्पॉर्टेंट है। MMR वैक्सीन जो आती है उससे जो है टीकाकरण करके सबको बचाया जा सकता है, गंभीर स्थिति में न जाने से रोका जा सकता है। दूसरा जो है इनको बच्चों को जो है बड़ों को भी लाइट से थोड़ा बचा के रखना चाहिए, धूप से बचा के रखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है आँखों के अंदर भी जो है रोशनी के लिए जो इरिटेशन होता है या कुछ बहुत ज़्यादा आँख के अंदर जलन होती है, तो उससे बचा जा सके और रिकवरी में और जल्दी ठीक होने में वो हेल्प करता है या सहायता करता है। खसरा कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी नहीं है, बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं है। जब भी आपको इस तरह के लक्षण लगें तो आप निश्चित रूप से नज़दीकी अस्पताल में अपने डॉक्टर से सलाह लें और तुरंत इलाज कराएं, तो वो पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। बच्चों में वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो जल्दी से जल्दी समय के अनुसार कराते रहिए, खसरा बिल्कुल नहीं होगा और पूर्ण रूप से ठीक होने वाला बीमारी है।